किसी घड़े को आग में डाले बिना कुंभार ने बाजार में भेजा क्या? आपकी भाषा फिर से रिपीट करना चाहता हूं, किसी घड़े को आग में डाले बिना कुंभार ने बाजार में भेजा क्या? वाई नॉट? घड़ा तो हो गया तैयार, हो गया, बाजार में भेजने के पहले आग में डालने की जरूरत क्या थी? क्या माने? बराबर माने आग घड़े की मित्र है कि दुश्मन है? गुरुदेव, घड़ा तैयार होना अलग बात है और घड़ा पक्का और मजबूत होना अलग बात है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके बेटे को स्कूल और कॉलेज में तुमने पक्का किया कि तैयार किया? आपके बेटे को स्कूल और कॉलेज में भेजने के बाद एमकॉम एलएलबी डिग्री जो भी दी, आपका बेटा पक्का हो गया कि तैयार हो गया? क्या हुआ? पक्का कब करेंगे? नहीं बताओ तो मुझे, नहीं, आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू, कब करेंगे? मान लिया तुमने बेटे को तैयार तो कर दिया, पक्का कौन करेगा? 2012 की साल, ये कौन सा चल रहा है, 2019, 2012 की साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड की संख्या हिंदुस्तान में नंबर एक, और वो सबसे ज्यादा सुसाइड में 64,975 यंग लड़के थे, यंग लड़के। एक साल में 75,000 लड़के और लड़की यदि सुसाइड कर देते, क्या दिखाता है? ना उन लोगों ने शादी की थी, दैट मीन्स देर वर नो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाजार में नहीं थे, दैट मीन देर वर नो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपका क्यों कर दिया? इस सभा में बैठने वाले कई लोग आज मुझे चैलेंज करना, तो मैं खुला आपको चैलेंज ऑफर करता हूं, मुझे रुको। यहां बैठने वाले हजारों लोगों के मन में एक मान्यता है कि गुरुदेव एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, इन लोगों को मेरी सबसे बड़ी चैलेंज है। सोनिया गांधी को दिल्ली में मिला था, मैंने सोनिया को दिखाया था कि मैडम केरला 100% एजुकेटेड स्टेट है, हर 24 घंटे में एक एजुकेटेड लड़का केरला में सुसाइड कर रहा है, व्हाट इज द आंसर? कॉलेज और स्कूल में आपका बेटा तैयार तो होता है, पक्का कब होगा? बागानी साहब एनी आंसर? साथ बोलो, उनको पक्का करने के लिए तुम्हारे पास प्रावधान क्या है? साथ बोलो, आपके आग में डालने की काम करता है तब पक्का बन जाता है। आपके बेटे और बेटी को आग में कब डाला तुमने? कल छोड़ दे, ये आग थी एक तरह की, एयर कंडीशन बंद करके एक रात तो सो जा। एनी आंसर फ्रॉम यू, आपके बेटे को पक्का करते हो, कोई विरोध नहीं। फिर से रिपीट करूं, पक्का करने के लिए पहले तैयार तो होना पड़ेगा ना, फिर पक्का करने के बाद मिट्टी को तो कुंभार नहीं डालता है। आई एम विथ यू, आपके बेटे को तैयार करो, इनके विरोध में मैं नहीं हूं, मगर पक्का कब करेंगे? और पक्का करने के लिए तुम्हारे पास प्लानिंग क्या है? करोड़ों रुपया तुमने तैयार करने के लिए खर्च किया, पक्का करने के लिए कितना खर्च किया? सर बोलो, आपके पास बजट है क्या? पक्का करने के लिए बजट है कोई? क्या हुआ? भले तुम पक्के ना हो चलेगा, नहीं हो सकता है। आप यदि पक्के नहीं हो तो बेटे को कैसे पक्के करेंगे, वो प्रश्न इसलिए नहीं आता है कि बाप भिखारी होने पर भी बेटे को तो अमीर बनाने का प्रयास करता है। हो सकता है बाप किसी कारण से अमीर नहीं बन पाया, मगर वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं भिखारी तो बेटे को भी भिखारी रहना चाहिए, नहीं। किसी भी कारण से आप पक्के नहीं बने, मगर आप चाहते हो कि इस माहौल में बेटे को पक्का नहीं बनेगा तो कभी भी सुसाइड कर लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एजुकेशन के खिलाफ 100% नहीं हूं, मगर फिर भी यदि आपके बेटे को पक्का करने के लिए यदि आपके कोई फंडिंग ही नहीं है तो तैयार होने वाला बेटा कभी ना कभी टूट के खलास हो जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।